नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो हम जानेंगे दोस्तों कि कई बार क्या होता है, हम लोग टिकट काट लेते हैं IRCTC के ऐप से यानी कि मोबाइल से, लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है दोस्तों कि पता नहीं होता कि वेटिंग मिलेगा या कंफर्म मिलेगा। अगर बाई चांस कन्फर्म हो गया तो ठीक है, लेकिन वेटिंग हो गए तो कन्फ्यूजन रहता है कि अगर ये टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो क्या हमारा पैसा वापिस आएगा या नहीं आएगा। इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे दोस्तों। जैसे देख पा रहे होंगे हमने ये एक टिकट काटा और ये हमारा वेटिंग है 49 वेटिंग है। जैसे जैसे इसकी डेट नज़दीक आएगी दोस्तों तो हमको ये पता चलेगा कि पता करना पड़ेगा कि क्या हमने जो है हमारी सीट कंफर्म हुई या नहीं हुई, तो इसको कैसे पता करेंगे। तो आपको यहाँ पे PNR वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आप PNR नंबर डालेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं पर PNR नंबर अपना, यहाँ पे हम अपना PNR नंबर याद कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। देख पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी का स्टेटस दिखा रहा है, जो कि अभी 87 में कटा था या जो भी कटा था। यहाँ पे जो है अभी हमारा 45 वेटिंग है, यानी कि अभी इसको हमको जाने में 25 अक्टूबर का टिकट है, यानी कि अगर देखेंगे तो इसमें हमें टाइम लगेगा। अगर ये हमारा कंफर्म हो जाता है तो हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे टिकट का अमाउंट भी दिखा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे चार्ट प्रीपेड नहीं है, जिससे चार्ट प्रीपेड हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पता चल जाएगा कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो देखते रहना है, जैसे आपका चार्ट प्रीपेड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दिखा, जैसे दिख रहा है यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन अगर जैसे आप ट्रेन निकल जाएगा तो कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे कि हमने एक और गाड़ी का टिकट काटा था जिसमें वेटिंग था 29 वेटिंग था, उसको हमने कैंसिल नहीं किया जबकि वो खुद अपने आप से कैंसिल हो गया है। यहाँ पे स्टेटस कैंसिल दिखाएगा दोस्तों, और स्टेटस कैंसिल थोड़ा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे 741 रुपये का हमने टिकट काटा था जिसको हमने जो हमें रिफंड हो भी गया। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो 741 रुपये रिफंड किया है, हम कितना पैसा कटा है वो भी चेक करवा लेते हैं आपको। यहाँ बैक जाएंगे जाते हैं तो यहाँ पे रिफंड वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। रिफंड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे वही वाली गाड़ी आपको दिख रही होगी, तो इसको जैसे आपको क्लिक करना है जो आपकी गाड़ी कैंसिल हुई होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 741 रुपये का टिकट हमारा कटा था जिसमें सारा कैंसिलेशन चार्ज काट के जो है यहाँ पे 670 रुपये हमारा रिफंड हुआ है दोस्तों। ये रिफंड आपको 2 से 3 दिन लग सकता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 2 से 3 दिन वेट कीजिए, उसके बाद आपका रिफंड आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।